Vedant can you help me with the kitchen chores no mama may i go for a bike ride no let us go for a movie no yes friends this is dr sunita teaching english through hindi and art uh, today's topic is different ways of saying no फ्रेंड्स इस टॉपिक पे मेरा एक और वीडियो है ऑलरेडी हाउ टू से नो पोलाइटली सो यू कैन गो ऑन द आई आईकन इफ यू हैव नॉट इट लेकिन बहुत बार ऐसा होता है वी नीड टू से सेट नो स्ट्रेट नो जहाँ पे आगे किसी तरह की कोई गुंजाइश है ही नहीं आगे कुछ कहने की तो इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशन हाउ टू से स्ट्रोंग नो हमारा आज का टॉपिक सो लेट स्टार्ट द फर्स्ट वन इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन सिचुएशन इज़ लाइक आज के मेरे ज़्यादातर एग्जाम्पल इसी पर ही रहेंगे कि अभी कोविड नाइन्टीन की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा पूरी तरह से घर पर हैं कहीं पर भी आना जाना मना है या हम नहीं जा रहे हैं वी आर अवॉइडिंग जिस एनी काइंड ऑफ सोशल गैदरिंग एंड जैसे आउटिंग एंड ईटिंग आउट्स तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा

हमें उनको कहना पड़ता है आउट ऑफ द क्वेश्चन विद अ स्ट्रॉन्ग स्टर्न फेशियल एक्सप्रेशन एंड वॉइस टोन आउट ऑफ द क्वेश्चन सो द सेकेंड वन इज नो वे नो वे इज अगेन एन एक्सप्रेशन ऑफ अ स्ट्रांग नो यहाँ पे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं इसका मतलब होता है तो जैसे कि मेरा बेटा बोलता है बड़ा बेटा क्योंकि अभी आजकल कहीं और जाने को मिल नहीं मिल नहीं रहा है कॉलेजेस स्कूल सब बंद हैं मार्केट भी नहीं जा सकते देन ही टू गो फॉर अ बाइक राइड विद फ्रेंड्स मम्मी चला जाऊँ क्या देन अगेन विद अ स्टर्न फेस एंड अ स्ट्रोंग लुक एंड ए स्ट्रोंग वॉइस आई से नो वे एंड इट है थर्ड वन इज फैट चांसेस फैट चांसेस अगेन इम्पॉसिबल इम्प्रोवेबल टेनली बिल्कुल भी नहीं तो जैसे कि कई बार होता है हम लोग आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं बाई कार एंड माई एल्डरसन ही इंसिस माई हजबेंड डैडी मैं चला लू थोड़ा सा हाईवे पे एंड अगेन माई हसबेंड विद्रॉन्ग फेस एंड स्ट्रॉन्ग वॉइस एंड स्टर्न लुक ही स्टेज फैट चांसेस फैट चांसेस फैट चांसेस का मतलब ये होता है इम्पॉसिबल इम्प्रोबेबल बिल्कुल भी नहीं सर्टेनली नॉट तो नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मतलब असंभव बिल्कुल भी नहीं कोई चांस नहीं एंड अगेन आर वी जैसे आजकल का सिनेरियो चल रहा है कोविड नाइन्टीन की वजह से आ, सबको अपनी जॉब्स की मुश्किल पड़ी हुई है एंड इंक्रीमेंट जिसका तो सवाल ही नहीं होता है तो फिर भी लोग आपस में थोड़े थोड़े से चर्चा करते हैं लाइक आर वी गेटिंग इंक्रीमेंट्स दिस ईयर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आर वी गेटिंग इन इंक्रीमेंट दिस योर नेक्स्ट इम्पॉसिबल असंभव सवाल ही नहीं उठता द सेम वे नेक्स्ट वन इज नॉट लाइकली नॉट लाइकली इसका मतलब भी वही है कि शायद ही बिल्कुल भी नहीं बहुत बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है मतलब नहीं स्ट्रेट नो यू कैन सेव तो मेरी नेपुर ने पूछा मेरी फ्रेंड ने डू यू वॉन्ट टू जॉइन डांस क्लासेज विद मी Not likely. मुश्किल है नहीं आ पाऊंगी द सेम तो नेक्स्ट वन इज अंडर नो सरकमस्टांसिस अंडर नो सरकमस्टांसिस इसका मतलब भी होता है किसी भी हालत में नहीं किसी भी परिस्थिति में नहीं मतलब स्ट्रेट नो स्ट्रॉन्ग नो तो जब मेरे बच्चे पूछते हैं रात में या मेरे हसबेंड भी पूछते हैं रात में कई बार खाने के बाद आर वी है थोड़ा मीठा है क्या कुछ खाने के लिए एंड देन आई नीड टू से नो सरकमस्टांसिस अंडर नो सरकमस्टांसिस एंड समटाइम्स इट है क्योंकि हाँ बहुत दिन हो गए हैं बाहर कहीं गए नहीं है शॉपिंग वॉपिंग बिल्कुल बंद है एंड आई एम फीलिंग अ ग्रेट क्रेविंग टू गो आउट मैं आई इंसिस माई हजबेंड टू टेक मी टू द न्यू मार्केट और मॉल फॉर शॉपिंग थोड़े तो ले चलो एंड देन अगेन ही सेज विद स्टर्न लुक एंड विद अ स्ट्रोंग वॉइस not at all and i am like mm. so that's it for today friends i hope you will use these phrases and terms in your daily use language daily use conversation and uh, you will feel great you will feel enriched uh, in your vocabulary so thank you so much keep watching my videos don't forget to like share and subscribe bye bye